हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अशोक। आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल A2Z। आज हम बात करेंगे जो लड़के ITI करके आते हैं वो हर कंपनी में जाते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि फ्रेशर ही होते हैं, तो उन लोगों को बहुत परेशानी होती है कि ITI वो लोग ज़्यादातर थ्योरी करके आते हैं और यहाँ पर कंपनी में आने के बाद प्रैक्टिकल करते हैं, तो बहुत सारी ऐसे चीज़ें होती है जो उनको समझ में नहीं आता है। तो आज हम बात करेंगे बेसिक चीज़ें से जो ITI करके आ रहे हैं और इलेक्ट्रीशियन है, खास करके उन लोगों के लिए बताना चाहता हूँ कि हमारे चैनल पर जुड़े रहें और हम आपको 1 महीने के अंदर इतनी सारी बात बताएंगे कि आप मिनिमम 10,000, 10,000 से लेके 25,000 आप पर मंथ, 20,000 पर मंथ आप इनकम कर सकते हो। जी हाँ, आपने सही सुना है, मेरे चैनल पे आप सब्सक्राइब कीजिए और डेली मैं अपलोड करूँगा, जो भी वीडियो बनाता हूँ वो अपलोड करूँगा यूट्यूब पे, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, आप डेली मिनिमम 10,000 से 25,000 तक हर महीने कमा सकते हो बिना ITI किए हुए, बिल्कुल साफ। कैसे, वो मैं बताता हूँ, प्रोसेस देखिए। सबसे पहले क्या होता है, जो बंदे ITI करके आते हैं, ठीक है, तो उन लोगों को क्या होता है कि इंस्टीट्यूट में बेसिक चीज़ें थोड़े बहुत बता दिया जाता है, जैसे कि वायरिंग और बोर्ड और छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट देके लोग वायरिंग को कैसे जॉइंट मारते हैं, कैसे क्या करते हैं, ये छोटी मोटी चीज़ें बता देते हैं। लेकिन वही लड़के जब कंपनी में आते हैं तो वहाँ का थ्योरी और यहाँ का प्रैक्टिकल में बहुत फ़र्क हो जाता है। जैसे कि कंपनी में फर्स्ट चीज़ क्या होती है कि जो आप कंपनी में आते हैं तो आपको बहुत सी चीज़ें समझ में नहीं आता है। जैसे एक चीज़ कि कोई भी पैनल वगैरह हो गया तो उसको कैसे PM करें। सबसे पहले होता है, फर्स्ट में किसी कंपनी में अगर कोई लड़का जाता है, ITI किया रहता है और वो फ्रेशर है, तो स्टार्टिंग में बहुत सारी दिक्कतें होती हैं जो उसको झेलनी पड़ती है। ठीक है, तो फर्स्ट में आप कंपनी, किसी कंपनी में अगर कोई लड़का जाता है तो PM लोग करवाता है, मतलब प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, प्रिवेंटिव। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस ये होता है, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस इसलिए दिया जाता है कि वो लड़का हर एक पैनल या मशीन हो गई या जो भी इलेक्ट्रिक संबंधित चीज़ें होती है कंपनियों में, तो उसके बारे में वो जाने। ठीक है, तो स्टार्टिंग में किसी कंपनी में अगर जाए तो आपको ये मिलेगी, PM करने के लिए दिया जाएगा। सबसे पहले PM करने के लिए दिया जाएगा, ठीक है। दूसरा नंबर, आप पर डे कितना वर्क करते हैं, सबसे पहले आप कितना वर्क करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, दूसरी चीज, जब भी आप किसी कंपनी में जाएं तो थोड़ा सब्र रखें, क्योंकि तो सब्र का फल बहुत मीठा होता है। ठीक है, और जो चीज़ें होती है बेसिक चीज़ें, जैसे कि मान लीजिए सबसे पहले को वो लोग देखेंगे कि भाई ये चीज़ें है क्या। ठीक है, तो हम बेसिक चीज़ से यूज चलिए शुरू करते हैं। पहली चीज़ होती है, पहले PM होता है, ठीक है, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस इसमें क्या होता है, आपको
सबसे पहले पैनल को क्लीनिंग किया जाता है, ठीक है, पैनल क्लीनिंग, ठीक है। दूसरी चीज आपको मिलेगी, जितनी भी केबल वगैरह इसमें माउंटिंग केबल होती है उसको ड्रेसिंग करना होता है एकदम सही से, तो केबल ड्रेसिंग, ओके। तीसरा हो गया आपका टाइटनेस वर्क, हाँ जी आपने सही सुना, जो मैं बता रहा हूँ वो बहुत सी चीज़ें और ब्रेकडाउन से बचाती है क्या, ये सब चीज़ें, ये सब चीज़ें इतनी इम्पोर्टेंट है, मतलब VVI वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, हर एक कंपनी में ही होती है काम, जैसे कि VVI मतलब वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, ठीक है। से तीसरा नंबर हो गया आपका टाइटनेस, ऑल पैनल टाइटनेस, ठीक है, ऑल पैनल जितना भी टर्मिनल है उसको टाइट करना होता है, ओके, टर्मिनल टाइटनेस, सॉरी यहाँ पे टर्मिनल टाइटनेस होगा, ठीक है। जितनी भी टर्मिनल होती है को पूरे पैनल में आपको शुरू से स्टार्टिंग तक टाइट करना होता है, देखिए उससे बहुत सी चीज़ें आगे चलकर बहुत फायदा होता है, ब्रेकडाउन के लिए भी और आपके नॉलेज के लिए भी, जैसे आप टाइट करते करते जाओगे उसके बारे में सीखोगे भी कैसे कैसे टाइट हो रहा है और कौन सा पार्ट कहाँ पे है, सबसे मेन इम्पोर्टेंट बात कि कौन सा पार्ट कहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है, ये ध्यान रखना। चौथा नंबर आपको जो भी पैनल में, अगर पैनल का पीएम हो रही है तो उस समय पहले पावर ऑफ किया जाता है, पीएम करने से पहले आप सबसे पहले सुपरवाइजर से परमिशन लेंगे कि सर हमको प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के लिए ये मशीन दी हुई है, ठीक है, वहाँ जाइए आप परमिशन लीजिए, मेन पावर सप्लाई ऑफ कीजिए, बिना ऑफ किए हुए कोई भी काम इलेक्ट्रिकल में नहीं करना है, ठीक है, ये तो बहुत डेंजरस चीज़ है, आपको शॉक लग सकती है 100%, ठीक है, तो मेन पावर ऑफ कीजिए उसके बाद आप प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कर सकते हैं, ठीक है। चौथी चीज क्या है कि जो भी उसमें वैल्यू है जैसे कि रिले हो गई वो कितने की लगी हुई है, रिले का रेंज होता है जो 1 से 1.6 तक, 0.5 से 1 तक, ये रेंज होती है, वो रेंज आपको देखना होता है कि ये वाली मोटर का रेंज कितना है और ये सेटिंग कितना पे है, ठीक है, पहला हो गया। और उसमें क्या होता है, आप जितना भी मोटर को देखेंगे समझेंगे उसका नेम प्लेट लेंगे उसको याद करेंगे और उसी नेम प्लेट के हिसाब से आपका रिले रेंज सेट होता है, जैसे कि मान लीजिए कि 1.5, 2.5, 7.5 या 13, ये सब लोड है, एम्पियर, इसको बोलते हैं एम्पियर लोड, इसको लोड या एम्पियर बोल सकते हैं, ठीक है। और उस हिसाब से उसमें रिले लगी होती है जो थर्मल ओवरलोड रिले बोलते हैं, MPCVD क्लास रिले, ये बहुत सी चीज़ें होती हैं उसमें लगा होता है, नॉर्मली आपको बता रहा हूँ मैं, नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा कैसे कैसे क्या होता है, ठीक है। तो ऐसा हो गया, इसको तो आपको ये सारी करनी होगी और जो भी उसमें लगा हुआ है कंपोनेंट आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, ध्यान से देख के आपको याद करनी पड़ेगी और ध्यान में रहे कि अगर कोई प्रॉब्लम आया तो आपको ध्यान रहे कि हाँ ये पैनल उसी मशीन का है और इसी से वो चालू होता है, ठीक है, ध्यान में रहे। दूसरी चौथी चीज़ और
और पार्टिकल, इलेक्ट्रिकल पार्टिकल, और इलेक्ट्रिकल पार्ट, राइट। और पार्टिकल जो भी इलेक्ट्रिकल का पार्ट है वो आपको रीड करना है, देखना है, प्लस सीन, ठीक है, देखना है, उसको याद करना है, ठीक है। पांचवी चीज हो गई, देखिए उसमें क्या होता है, जो अगर सिंगल केबल है तो उसको कंड्यूट पाइप के थ्रू हम लोग लेके जाते हैं सेफ्टी से। दूसरी चीज उसमें होती है कि पैनल के आप नीचे देखोगे तो ऐसी ऐसी रिंग, आपको रिंग मिलेगी, होल और रिंग, ठीक है। तो इसमें क्या होती है, ये जो केबल है इसमें ग्लैंड लगा हुआ था। वो ग्लैंड किस लिए लगाते हैं, देखिए ध्यान से सुन, ये जो ग्लैंड लगी होती है वो पैनल के निचले हिस्से में लगी होती है, और उससे अपने को बहुत फायदा होता है। एक तो केबल किसी चीज से अगर फंस जाए तो वहाँ ये जो राउंड होती है ना पैनल की, उससे कटने से बचाता है, ठीक है। दूसरी चीज कि ये आप उसमें अगर ग्लैंड टाइट हो, कस देते हैं तो वो खींच नहीं पाते, समझ गए ना। तो इसके लिए बहुत सेफ्टी है, ये सेफ्टी के लिए लगाते हैं, ठीक ना। और बता रहा नेक्स्ट, पांचवें नंबर पे जो उसमें एक चीज और होती है, जो केबल ट्रे होती है, देखिए केबल ट्रे क्या होती है मैं बता रहा हूँ। ऑल ऑल केबल ट्रे मॉडिफाई, मॉडिफाई, ऑल केबल ट्रे मॉडिफाई करनी होती है। जैसे कि मान लीजिए केबल ट्रे के ऊपर से कोई केबल जा रही है तो उसको अच्छे से केबल ट्रे के अंदर से एकदम सेफ्टी द्वारा लेके जाना है। अगर किसी का पाँव पड़ रहा है, रास्ते में पड़ रही है, तो उसको सेफ्टी से साइड में करके या अंडरग्राउंड करके उसको पाइप के जरिए हम केबल मशीन के पास ले जाते हैं, ठीक है। ध्यान में रहे, ये बहुत सी मेंटेन, ये जो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस चीज है इलेक्ट्रिकल का, ये बहुत जरूरी है हर मशीन के लिए भी, हर कंपनी में ये कंपलसरी है। आप किसी कंपनी में जाओ, अगर कोई ITI बंदा जाएगा तो फर्स्ट में आपको यही सब मिलेगी, क्या, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। आपको ये सब जनरली चीजें स्टार्टिंग में बता रहा हूँ, ठीक है। 6 नंबर पे हो गया,